नमस्कार, मैं हूं रवि सिंह। मैं आपको लेकर आया हूं आज उधमपुर से 8 किलोमीटर दूर फरना गांव में। यस सर, मैडी के साथ पड़ता है मगियोट। मैं आपको ये बता दूं कि डोगरा क्रांति दल की टीम पहुंची है, उनके साथ डोगरा क्रांति दल के चेयरमैन बलवंत सिंह मनकोटिया और उनके सारे साथी यहाँ पर आए। मैं आपको ये बता दूँ कि गाँव में ये पहली बार ऐसा किया जा रहा है कि इनकी ओर से सैनिटाइज किया जा रहा है घर को, और कुछ सामान भी दिया जाएगा, और घर वालों को समझाया भी जा रहा है कोरोना के प्रति। मैं आपको फिर बता दूं कि डोगरा क्रांति दल की ओर से ये मुहिम पहली बार छेड़ी गई है, पहली बार किसी संस्था द्वारा। मैं आपको ये भी बता दूं कि शायद अभी तक सरकारी भी गांव में नहीं पहुंचे, इस तरह की किट दे रहे हैं या कि ये कैप दी जा रही है, दवाइयाँ दी जा रही हैं, ये डोगरा क्रांति दल की ओर से दी जा रही है। मैं फिर आपको बता दूँ कि पूरी टीम यहाँ पर पहुँची है। ये लोग सामान इन्होंने हाथ में ले रखा है, और इनके साथ सरपंच भी हैं, यहाँ के जो सरपंच हैं वो भी इनके साथ हैं, और लोगों को बताया जा रहा है और समझाया जा रहा है। मैं आपको अंदर भी ले चलूँगा, घर के अंदर भी ये लोग टीम अंदर जाएगी, और फॉगिंग मशीन भी की जा रही है, वो मैं आपको बता दूँ कि ये सामने स्टार्ट की जा रही है, और उसे उनके साथ चेयरमैन और उनकी पूरी टीम पहुंची है, लोगों को यहाँ पर समझाया जा रहा है और ये सामान दिया जा रहा है। मैं फिर आपको बता दूं, कैप दी जा रही है, किट दी जा रही है, और स्टीम भी दी जा रही है, ये देखिए सामने ये, और मैं आपको ये भी बता दूं कि यहाँ पर सैनिटाइज भी किया जा रहा है। मैं आपको फिर बता दूं कि स्टीमर दिया जा रहा है, किट दी जा रही है, और कैप भी दी जा रही है, ये पूरा समझाया जा रहा है उन लोगों को कि किस तरह से ये दवाई लेनी है, किस तरह से ये सामान रखना है। मैं फिर आपको बता दूं कि कोरोना के चलते कोरोना ने जिस तरह से अपने पांव पसार रखे हैं और गांव को भी नहीं छोड़ा गया, गांव में भी काफ़ी लोग पास्ते आ रहे हैं, उसी के चलते डोगरा क्रांति दल की ओर से ये कदम उठाया गया। ये पहली बार ऐसा हुआ है कि गाँव में जाकर ये लोग सामान दे रहे हैं और लोगों को समझाया जा रहा है कोरोना के प्रति। मैं यहाँ के जो डोगरा क्रांति दल के चेयरमैन है बलवंत सिंह मनकोटिया, मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा। वो ये देखिए, ये पूरी तरह से उन्हें समझाया जा रहा है कि किस तरह से स्टीमर लेना है, ये किस तरह से बच्चों को, ये बच्चों के लिए है, ये पूरी तरह से समझाया। मैं बात करना चाहूँगा यहाँ के जो बलवंत जी, मैं उनसे पूछना है। बलवंत जी, आपका वीराचल में स्वागत है। और सर, जिस तरह से ये डोगरा क्रांति दल की ओर से ये मुहिम चली गई, गांव-गांव में जाकर लोगों को सामान दिया जा रहा है, किट दी जा रही है, मुझे लगता है कि सरकार की ओर से ऐसा भी कदम नहीं उठाया गया, क्या कहना चाहिए? देखिए, मैं सरपंच साहब यहाँ के हैं, इनके संपर्क में था कि इनकी पंचायत में सबसे ज़्यादा जो रेड जोन भी है, जो कंटेनमेंट जोन भी है, ये तो मैं इनसे लगातार संपर्क में था, बहुत सी पंचायतें उनके संपर्क में हैं। तो मैंने इनको कहा कि गवर्नमेंट ने आज से 5-6 दिन पहले अनाउंस किया था कि किट जो है, कि मेडिसिन की किट जो है, ये प्रोवाइड की जाएगी पेशेंट्स को जो पॉजिटिव हैं घर में जाके। तो लगातार 5-6-7 दिन है, तो अभी तक पहुंची नहीं है। तो आज हमारी डोगरा क्रांति दल NGO की तरफ से एक किट, जो मेडिसिन की किट है, और इसके साथ एक ये मास्क है, जो शीट है, इसके साथ एक सेंट, क्या नाम है, स्टीमर है, तो ये एक हम घर में जाके दे रहे हैं, खासकर यहाँ जो पॉजिटिव लोग हैं तो उनको समझा भी रहे हैं, और सैनिटाइज भी किया जा रहा है यहाँ से, की जा रही है। तो हमारा यही मकसद है कि लोगों के अंदर जो एक डर का माहौल है वो ना बने। और मैं आपको कहना चाहूँगा कि मेजॉरिटी गाँव में जो पॉजिटिव केस में, क्योंकि इसको डोगरी में कहते हैं खलगाना, खाल गा दे जिसल कनक गा दी है सारे लोगों, वह जरा अक्सर जिस अस भी गाँव जिस गला तकरीबन जाम हो
जल टेस्ट हो जाता सारे पॉजिटिव हो गए, तो मैं सारे आखना चाहना कोई टेंशन नहीं लैनी, लोड़ है स्टीम पूरी सारे को बेस्ट दवाई स्टीम है, स्टीम करनी और गला अपना बिल्कुल फिट रखना, छाती अपनी फिट रखनी, कख नहीं होता। तो बाकी जी दवाई है जी गवर्नमेंट ने जी हेल्थ डिपार्टमेंट ने जी प्रिस्क्राइब की है उ दवाई दिया करने, तो साढ़ा आखना मकसद यह है कि जोड़ा है साढ़ा कोई भी साथी अपने आप ही महसूस नहीं करे कि अस कल कोई दवाई की जरूरत है, और अस इतना इन्हें साथी ये भी आखना चाहते हैं पूरे ग्रां भी आखना चाहते हैं कि कुसै साथी की और कुसै किस्म की समस्या कुत राशन की कुत और चीज़ें की समस्या है बिल्कुल साड़ी एन जी ओ कन्नै संपर्क कर सकता, और अस बिल्कुल 24 घंटे तैयार हाँ कि किसी किस्म की कोई समस्या होवे इहदे सवाय भी अस करने तैयार हाँ। और अज अस पंचायत से हल जट्टा चा ये बाद असें सारी पंचायत जिते जिते जे केस न सारे जाइए तो उन्हें एक किट दिया करने और इस किट कन्नै जरा जरा एक शीट दिया करने और जरा स्टीमर दिया करने, क्योंकि ऑक्सीमीटर भी अस करा रहे लेकिन ऑक्सीमीटर बाजार से अवेलेबल नहीं है हमारा, तो अगर जिया कुछ गुंजाइश बनती है तो अगर वो भी जरूरत कुछ जरा गुंजाइश बनती है तो वो भी सारी ऑर्गेनाइजेशन देनी तैयार है। तो मैं सारे यही आखना चाहना कि जरा पालन असें पूरे तरीके करना चाहिए, एस ओ पी जी गाइडलाइन का पालन करना चाहिए, और मता असें सरकार पर भरोसा नहीं करना चाहिए कि सरकार असें अस बीमार होगे तो सरकार ठीक करग, तो सरकार की हालत तुसें दिखी ली कि अज जरा जल्द इंजैक्शन लोग नहीं लाने जा रहे वैक्सीन का, तो उसलै सरकार ने आखिया घर पगड़ी पगड़ी लोगों को लियाओ, जल्द लोगों को पगड़ी पगड़ी आंदा तो पहले डोज लैती तो उन्हें हम 28 दिन बाद आओ, जल्द 28 दिन बाद गए तो डोज मुकी ही, उन्हें आखिया हूँ 45 दिन बाद लगने, हूँ 45 दिन बाद गए तो उन्हें आखिया 90 दिन बाद लगनी, जल्द 90 दिन बाद जाना उन्हें आखना पहली कन्नै काम चलाओ। तो सरकार ने अपनी डोज जी है वो बाहरले मुल्खें भेजुड़े तो साढ़े लोग खजल हुआ, तो इस वास्तव लोग ज्यादा सरकार का भरोसा नहीं रहन, अपने आप पर भरोसा रखन, अपना हिम्मत पूरी रखन, कोई डरना नहीं है, कोई करोना करोना कख नहीं बिगड़ सकता, जो साढ़े अंदर हिम्मत असला ताकत शक्ति हिम्मत है ना परमात्मा दी उसी पूरे तरीके मजबूत रखना, कख नहीं साढ़ा बिगड़ता, तो अपने आप भी असें पूरे तरीके प्रोटेक्ट करना, और जितना भी असें लगता कि कुछ असं संक्रमण हो सकता ऐसे ग्रुप ऐसे शादी ब्याह घट जाने की कोशिश करनी थोड़े दिन उड़ी जाना थोड़े दिन और 10-15 दिन म्हीने उड़ी जाना, लेकिन म्हीना खंड असें थोड़ा जहा परहेज रखना। मैं सारे ही आखना चाहना कि कोई परवाह नहीं करनी, साड़ी एन जी ओ की हजारा कार्यकर्ता थोड़े सेवा 24 घंटे आज कोई परवाह नहीं करनी, कोई टेंशन नहीं लैनी, लेकिन है कि जरा सरकार पर मता भरोसा करनी असं गुंजाइश नहीं है, क्योंकि सरकार ने बार बार असं धोखा दिता इस मसले लिए है, तो इस वास्ते सरकार पर नहीं असं अपने पर भरोसा करना और अपने आप भी असं बचाना। आपने देखा कि ये थे बलवंत सिंह मनकोटिया, मैंने आपको पहले भी बताया कि डोगरा क्रांति दल के ये चेयरमैन है, मैं आपको फिर बता दूं कि ये मगियोट है और इसे इस एरिया को रेड जोन घोषित किया गया है, उसके बावजूद भी ये टीम यहाँ पर पहुंची, घर घर जाकर सामान दिया जा रहा है, स्टीमर दिया जा रहा है, दवाई दी जा रही है और उसके साथ एक कैब भी दी जा रही है, और लोगों को समझाया भी जा रहा है कि लोग अपना ध्यान खुद रखें लेकिन घबराने की बात नहीं है। मैं फिर आपको बता दूं कि कोरोना से आप लड़ेंगे तो आप जीत पाएंगे, अगर आप घर बैठे ये कहेंगे कि कोरोना हमें खा जाएगा तो फिर सही बात है कि कोरोना आप पर हावी हो जाएगा। कहीं ना कहीं देखें तो डोगरा क्रांति दल की ओर से बहुत ही बढ़िया कदम उठाया गया, लेकिन यहाँ के जो सरपंच है मैं उनसे भी बात करना चाहूँगा, सरपंच जी से भी पूछना चाहूँगा कि सरपंच जी जिस तरह से आपके एरिए में ये उठाया गया कदम उठाया गया डोगरा क्रांति दल की ओर से क्या कहना चाहेंगे? मैं कहता कि बहुत सराहनीय कदम है डोगरा क्रांति दल की तरफ से, तो मैं चाहूँगा ये कहना चाहता हूँ कि जो भी डोगरा क्रांति दल ने जो भी कदम उठाया बहुत ही बढ़िया बहुत सराहनीय कदम है, और मैं इससे मैं हमारे गांव के लोग जो जितने भी जो हैं जो पॉजिटिव केस है जो आज ने जो फैसला लिया कि भाई जहाँ जहाँ पॉजिटिव हैं हम उनको ये किटें देंगे, पूरे घरों को सैनिटाइज करेंगे, उसके बाद जो भी ये स्टीमर वगैरह जो दे रहे हैं ये बहुत ही अच्छा है, मैं इसलिए डोगरा क्रांति दल का बहुत शुक्रगुजार हूँ, और मैं आपके वीडियो के माध्यम से कहना चाहता हूँ कि जो हमारे पंचायत के लोग हैं जो अफेक्टेड हैं जैसे जो पॉजिटिव आए हैं तो घबराने वाली कोई बात नहीं है, कोई नहीं कोरोना नहीं ठीक है, कोरोना है जो भी है अब थोड़ा इसमें थोड़ा सा एहतियात बरतें और अपना मास्क वगैरह लगा के रखें, सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखें, और दूसरा नंबर किसी भीड़ भाड़ वाली जगह पर ना जाएँ। शुक्रिया। आपने देखा कि ये थे यहाँ की जो सरपंच है ये वो थे, उन्होंने बताया कि डोगरा क्रांति दल का एक धन्यवाद किया गया, उनका कहना था कि डोगरा क्रांति दल की ओर से बहुत ही बढ़िया कदम उठाया गया, लोगों को सामान दिया जा रहा है, उन्हें समझाया भी जा रहा है। कैमरामैन रवि के साथ रवि सिंह वीरा, चैनल उधमपुर।